क्या हुआ? हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें तो क्या हो गया, निकाल दे फिर। ले भाई। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो अभी सुबह के 8 बज गए, उठने में लेट हो गया। आज हमको अल्मोड़ा के लिए निकलना था ना, तो मेरा प्लान था कि सुबह सुबह निकल लेते, पर उठने में ही लेट हो गया। अब नहाएंगे और थोड़ी बहुत पैकिंग भी करनी है, तो और लेट होएंगे। अब देखते हैं कब तक निकलते हैं। कपड़े तो मैंने रात को रख लिए थे इस वाले बैग में, और कैमरा गियर्स भी। बस ये वाला सामान रखना है, ये जो वायर्स वायर्स है ना, लैपटॉप वगैरह, बस ये रखना है। रूम में भी फिर से भसड़ मच चुकी है, तो कोई बात नहीं, आके ठीक कर लेंगे। तो अभी गाइस सुबह से पोपट हो चुका है, अभी हमको निकलना था और देखा तो गाड़ी में पंचर हुआ पड़ा है। ये देखो पीछे वाला टायर, ये तो पूरा ही पिचका पड़ा है, नीचे से देखना पूरा पिचका पड़ा है। अब क्या करें, उसी समझ में नहीं आ रहा। थार लेके जा नहीं सकते बिकॉज बहुत सारा सामान है, तो वो इनोवा में ले जाना पड़ेगा। तो भी मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, फिलहाल चलते हैं पंचर लगवाने के लिए, क्योंकि पंचर के बिना तो जा नहीं पाएंगे। दादाजी और दादाजी यहाँ बैठे हैं, मस्त धूप सेक रहे हैं। मैं गाड़ी लेके जाता हूँ। पता नहीं पंचर कैसे हो गया, कल तक तो ठीक थी यार, चलाई भी नहीं हमने दो तीन दिनों से। हमारी सोसाइटी के बाहर ही है पंचर रिपेयरिंग वाले, अब सुबह सुबह पास वाले पंचर वाले भी नहीं है यार। एक तो सुबह उठने में लेट हो गए, ऊपर से पंचर भी हो गया। जब लेट होना होता है तो हो ही जाता है, चाहे कितना ही जल्दी कर लो। तो फाइनली अब जाके मिली है ये शॉप खुली, यहाँ से लगवाते हैं पंचर। और देखो 10 बज चुके हैं, तो पंचर लग चुका है, ये कील घुसी हुई थी देखो। मेरे को थार की आदत हो गई ना, तो मुझसे अभी गाड़ी नहीं चलती। एक तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, ऊपर से ही भिड़ जाती है, कहीं पे भी भिड़ गई थी एकदम से, मैं नीचे ले गया, नीचे ढलान दी थी तो भिड़ गया। क्योंकि मेरे को थार की ग्राउंड क्लियरेंस की आदत हो गई ना, उसकी काफी ऊंची है वो। तो बस अपनी फॉर्च्यूनर आने वाली है, मैंने काफी टाइम से बुक कर रखी थी, जब मैं देखने गया था तभी बुक कर दी थी मैंने। तो इसको देख के फॉर्च्यूनर ले लेंगे, मुझे काफी बढ़िया डील मिली थी टोयोटा वालों से। फिर दोनों ऊंची गाड़ी हो जाएगी ना, थार भी 4x4, फॉर्च्यूनर भी 4x4। मेरे को इसकी आदत हो गई ना, काफी ऊंची है ना ये, तो अब ये मुझे काफी नीचे लगती है तो भिड़ जाती। तो इसके बगल में फॉर्च्यूनर आ जाएगी कुछ दिनों में। रेडी है क्या? हाँ। ठीक हो? ठीक हो दादाजी? ठीक ही रहना। तो अभी सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हम भी करते हैं। छोले चावल? चावल की नहीं बनाए, चावल छोले के साथ तो चावल ही खाते हैं। चावल कौन खाता है, कोई नहीं खाने वाला। चलो कोई बात नहीं, रोटी खानी पड़ेगी। तो अभी मैं तो निकलने के लिए एकदम रेडी, मेरे दोनों बैग रेडी हैं, एक कैमरे वाला, एक कपड़ों वाला, और एक मैंने जूते डाल लिए हैं, एक ये बैग अपना बस। ओलू सौदा जा रहे हैं, सौदा जा रहे ओली। अब कुछ दिनों तक ओरियो आपको हमारे ब्लॉग्स में नहीं दिखेगा, ये यहीं रहेगा दादा दादी और चाचा जी के साथ में, ठीक है ओलू? अगर शादी नहीं होती ना तेरे को मैं ले आता पक्का, ठीक है? ठीक है ओलू, चले मैं निकलता हूँ फिर, ठीक है? आई विल मिस यू ओलू। लाइफ में फर्स्ट टाइम 3 जोड़े जूते लेके जा रहा हूँ और एक चप्पल लेके जा रहा हूँ, नहीं तो यूजली एक ही जूते में जाना पड़ता था। अब गाड़ी में स्पेस है तो उसको यूज तो करेंगे ही ना। तो पीयूष ने भी ले लिए अपने एक जोड़े जूते, हमारे मस्त लगेंगे एयरफोर्स ना, व्हाइट वाले। वो वेटर वाले कपड़े ले जाना। क्या करें, थार ले जाओ, थार ले जाओ यार, थार ले जाओ यार। आते हुए दिक्कत होगी, आते हुए सब होंगे ना पापा मम्मी। मैं तो 19 को आ जाऊंगा उसी दिन, थार में आएगा इतना सामान देख लो। तो गाइस अभी फाइनल हो चुका है कि हम अपनी थार में जा रहे हैं, इनों की पूरी सर्विस करा के अब थार में जा रहे हैं। अरे हाँ, मैं पंचर लगवा गया सुबह सुबह, इसमें सामान डालो उसमें सामान निकालो। तो फाइनली गाइस हमने थार में सामान भर दिया है, पहले इनोवा ले जा रहे थे, मतलब उसको मैं पंचर करा के आया। बाय, ठीक है, ख्याल रखना अपना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देना, ठीक है ओलू? बाय ओलू, ख्याल रखना, ठीक है ओली, बाय बाबा जी, बाय। वैसे पर्सनली मेरा मन भी थार में जाने का ही है, बिकॉज थार में जो फील आती है ना ऑफ रोडिंग में, मतलब गड्ढे वड्ढे हों कहीं भी घुसा दो इसको, लेकिन इनोवा को देख के चलाना पड़ता है, भिड़ जाती है ना वो। साहिल होता तो और अच्छा लगता, साहिल भी नहीं आ रहा है। साहिल कल, साहिल परसों आएगा पापा जी के साथ। अभी घर से निकले हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और मम्मी कह रहे मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, और पीयूष भी। मेरे को यहाँ पर अदरक दे रखा है कि खा ले, इससे उल्टी नहीं होगी। मम्मी और पीयूष दोनों उल्टी वाले हैं, तो मैं इनके बीच में फंस चुका हूँ अब फिलहाल, तो मुझे झेलते हुए जाना पड़ेगा, रास्ते में रोकते हुए जाना पड़ेगा। आदि देव शंकर रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के, नमो नमो शंकर।
भी पहला ब्रेक लिया है पीयूष के लिए, पीयूष गया है बाहर। मम्मी आपको हो रहा है कुछ? पेट में अजीब हो रहा है। आपको भी हो रहा है? एक तो उल्टी आ रही है, ऊपर से नमकीन वगैरह खाया जा रहा है, फिर और निकालेगा। पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। पेट्रोल पेट्रोल फुल फुल कर देना। गाने क्यों बंद हो गए? अच्छा हाँ, इसकी एक चीज बेकार है, चाबी निकाल के देनी पड़ती है ना, तो भी पेट्रोल खत्म होने वाला था तो पेट्रोल डलवा लिया। और इसके बाद हम रुकेंगे यहीं पे, कुछ खाएंगे। ये वाला व्यू देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, इधर नदी है, ऊपर पहाड़ है और ये रोड। कुछ टाइम पहले यहाँ पे मस्त वाली रोड थी, चौड़ी चौड़ी, और देखो लैंडस्लाइड के बाद क्या हो गया, ऊपर से देखो कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखा है, पूरा चौड़ी रोड खत्म हो चुकी है, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर हो गए साइड में इधर। भाई याद है पिछली लास्ट टाइम जब अपन आए थे, काफी चौड़ी चौड़ी रोड थी यहाँ पे। तो अभी मैंने पहला ब्रेक लिया, एक मस्त सा व्यू दिखा तो सोचा रुकना चाहिए। ये देखो कितना मस्त लग रहा है सामने, भाई बिल्कुल क्लीन पानी है देखो। मम्मी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बस पेट में हो रहा है। क्या हो रहा है पेट में? यार अजीब सा ही होता है आपको भी और पीयूष को भी। Toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let up ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good. Oh, bhai, gaadi ke haal dekho. Kichad, kichad. Jaake dhulwani padegi. Upar se to puri gandi hogi, dekhna. थर्ड ब्रेक लिया है, अब हम कुछ खाना पीना खाएंगे, भूख लग गई है। और बड़ी मी की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी है, सिर में दर्द वगैरह वगैरह, सिर में दर्द हो जाती है। मेरा थोड़ा ठीक है पेट, खाने के मामले में तो ठीक ही है तेरा पेट। पकौड़े डाले, छोले, रायता और दही। गाड़ी से बाहर निकलते ठंड लग रही थी इसलिए मैंने जैकेट डाल ली, पीयूष ने भी जैकेट डाल ली, एंड मम्मी ने तो स्वेटर डाल रखी थी। तो अभी फिलहाल मैगी वैगी ऑर्डर करी है, और तो क्या ही खाएंगे। तो अपनी मैगी एंड पकौड़े आ चुके हैं। क्या हुआ? तो हरी मिर्च तो क्या हो गया, निकाल दे फिर। ले भाई, अरे सैड क्यों हो रहा है भाई, आप मैगी गलत ले आए। एक काम करो, प्लेन प्लेन ले आओ, उसमें कुछ मत डालना, ठीक है? तो पीयूष के लिए हमको बिल्कुल प्लेन मंगानी पड़ी, इसमें हरी मिर्च है काफी ज्यादा, तो इसको हरी मिर्च पसंद नहीं है। अब खुश है? देखो अब खुश हो गया भाई। तो बच्चों के लिए हमने कुछ चॉकलेट्स ले लिया। अच्छा हाँ, एक है तेरी, इसमें से आधी मेरी। भाई गाड़ी की चाबी कहाँ गई? अच्छा नीचे घुसी पड़ी है। आओ मम्मी जी। तो अभी हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं, सामने वो घर दिख रहे होंगे, यहाँ पे बस घर ही घर है पूरे पहाड़ पे। पीयूष रेडी स्कूटी हटाने के लिए? हटा दे भाई। ये स्कूटी हमेशा हटानी पड़ती है क्योंकि साइड में से फिर गाड़ी निकलती नहीं है ना। सोनू भी अभी आ गए हैं, वही हटाएंगे। हाय, अच्छा उतरते ही सब्सक्राइब। ऊपर से आ रहा हूं मैं। हमारे आते यहाँ बच्चे आ चुके हैं। बच्चे तुम नहीं छोगे मम्मी के पैर? कोई बात नहीं। जाते जाते और क्या यार, मुझसे मिल रहे हो, मम्मी से मिल नहीं रहे तुम। शैडो भाई, ये तो एकदम भालू है। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय। तो सब ने एक एक बैग ले लिया है, मैंने सिर्फ अपना लैपटॉप वाला और कैमरे वाला बैग ले लिया बस। यहाँ पे आगे तो अलग ही वाइब्स आते हैं, एकदम ठंडी ठंडी वाइब्स, मामा की घर वाली वाइब्स। मम्मी जी सबसे पीछे, वाह वाह वाह, प्यारे प्यारे फूल। है लेकिन भाई कम से कम भी 20 किलो, वो है कि 20 किलो से ज्यादा होगा ना, 18 किलो का है। जिम कर सकते हैं। इसको फ्लाइंग बेस्ट जी को दे आओ। उठा 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 पूरा ऊपर, जैसे मैंने उठाया था। ओहो ऐसे नहीं, अबे खड़े होके उठा। हाँ अब ऊपर उठा, दोनों हाथों से ऊपर उठा। तो शादी की तैयारियां चल रही है, यहाँ पे टेंट लगेगा इसलिए यहाँ पे डंडे लगा दिए,
और कुर्सियां वर्सियां भी आ गई है, दरिया भी आ गई इतनी सारी। इतनी सारी दरिया कहाँ बिछाएंगे? तो ये हमारी सबसे छोटी वाली मामी, बीच वाली मामी और सबसे बड़ी वाली मामी, वो है आज तीनों साथ में पहली बार। चलो चाय बना के लें, थैंक यू। इसे टोपी वोपी डाल ली है और मैंने जैकेट चेंज कर लिया, पहले डेनिम थी वो ठंड उसमें ठंड लग रही थी, लेकिन अब ये डाल ली इसमें ठंड नहीं लगेगी। और बाकी सारे यहाँ मामा भाई लोग सब आ चुके हैं, कल और भी ज्यादा लोग आ जाएंगे, शुभम और भी आएंगे। और ये है हमारी मैरिज गर्ल गोल्दी, तो कंग्रेचुलेशन, परसों आपकी शादी है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने थार को धुलवाने के लिए, बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई थी ना, तो कल से मेहमान आएंगे तो देखेंगे यार कार गंदी हो रही है बहुत ज्यादा, तो देख लो स्पेशल जा रहे हैं पर कार धुलवाने के लिए। ओलू हेलो अरे हस्की मेरी हमारा ही है। मैं सेल्फी ले ले। हाँ हाँ एक मिनट हस्की से मिलने दो। हस्की हस्की आई था, क्या नाम है इसका? किया 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 और ये कबीरा। किया कौन सी? सोनेट या सेल्टोस? कोई भी ले लो, सेल्टोस ब्लॉग में आएगा। हाँ और ये कबीरा, ये कबीरा कबीरा। हाय हाय हेलो। तो अभी हम ऊपर आए और यहाँ पे फिर से भीड़ लग चुकी है। तो अभी गाइस हम लेट हो चुके हैं, कार वॉशिंग वाली शॉप बंद हो चुकी है, तो कल धुलवानी पड़ेगी। छोटा मोटा कुछ खा लेते हैं फिर चलते घर। बड़ा ही खा लेंगे। बड़ा क्या खाना है? क्या खाएगा? टिक्की। क्या खाओगे? टिक्की। चलो सभी के सभी टिक्की खाते हैं। तो अभी फिलहाल घर आ गए वापस, गाड़ी तो वॉश हुई नहीं बिकॉज शॉप बंद हो गई थी, अंधेरा हो गया था, और टिक्की खा के आ गए हम। बाकी अभी सारे अंदर बैठे हैं, काफ़ी शोर रहे से अंदर ब्लॉग नहीं कर पा रहा मैं, वो तो ऑब्वियस ही बात है, अभी शादी का घर है, अभी तो बहुत कम लोग हैं, कल तो और भी ज़्यादा लोग आएंगे, तो बहुत कम ही मैं ब्लॉग कर पाऊंगा, बट जितना कर पाऊंगा थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से पहाड़ी शादी होती है, किस तरह से क्या मतलब जो हम मस्ती करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी देखो बैकग्राउंड में, अभी मैंने कैमरे भी शिफ्ट कर लिया है इसलिए आपको इतना क्लियर दिख रहा है मस्त। तो उधर देखो सामने कितना मस्त लग रहा है। रात के लिए तो मैं कैमरे का ही यूज़ करूंगा लो लाइट के लिए, दिन में आईफोन यूज़ कर लेंगे, बट रात के लिए तो बेस्ट है। देखो कितनी अंधेरे में भी कितनी मस्त आ रही है। तो अभी है फिलहाल डिनर टाइम, सभी के सभी बैठ चुके हैं, बच्चे लोग और मम्मी सर्व कर रही है सबको। सबसे पहले दुल्हन को भूख लगी है और यहाँ पे शुभम भी आ चुके हैं। So guys, अभी शाम के 7:39 हो गए और अभी हम आए बाहर बाग दर्शन के लिए, बिल्कुल खाना भी खा लिया इतनी जल्दी आज हमने, ठंड लग रही है। पहाड़ पे काफी जल्दी डिनर हो जाता है, जैसे कि अब सब यहाँ पे बोर बैठे हैं अब डिनर करके सोच रहे हैं क्या करें। मेरे को लग रहा था कि काफी ज्यादा ठंड हो रही थी बट उतनी ज्यादा ठंड नहीं हो रही जितनी नैनीताल में हो रही थी। तो अभी सारे के सारे रिलेटिव्स एक ही रूम में शिफ्ट हो चुके हैं और अभी हमारा प्लान है कुछ यहाँ पे कार्यक्रम करने का, कुछ डांस समारोह और कुछ कीर्तन वीर्तन, कुछ गाना वाना। तो अभी सबकी फरमाइश पे हम एक नृत्य कला प्रस्तुत करना चाहेंगे सबके सामने। तो गाइस हम दोनों की तो नृत्य कला हो चुकी है, अब सबकी बारी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अभी कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है और मैं अब एडिटिंग स्टार्ट करूंगा, बाकी सभी यहाँ बैठ चुके हैं, मतलब लड़के लोग सारे यहाँ सोएंगे और लड़कियाँ लोग वहाँ सोएंगे सारी। तो अभी गाइस एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और बाकी सारे सो चुके हैं यहाँ पे, चार लोग इधर सोए हैं, चार लोग इधर, ये शुभम है, तो मैं आराम से बोल रहा हूँ बिकॉज अभी सारे सो रहे हैं ना, तो मैं भी यहीं सोऊंगा, मैं तो अपना ही इनके बीच में ही। तो फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अब फिलहाल पीयूष बजाएगा ढोलक, देखते कैसे बजाते हैं। चलो दिन आया रे बरसों के इंतजार में, क्या हुआ क्या हुआ? I don't want to talk but the last one they hear eyes blurry but
but I couldn't see the ass any clearer down. Start to feel like I'm on one. Settle in, I be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass. No brakes on the head, but it's all fun. Been a seen it all, heard it all.